आप सभी को एसटीएनएसडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं डीएड सेकेंड ईयर के पेपर 201 का टॉपिक जो है संचार के घटक, संचार के साधन बोल सकते हो, संचार के घटक बोल सकते हो कि हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से घटक होने चाहिए, कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट संचार के घटक। संचार के मुख्यतः चार घटक होते हैं। कितने होते हैं? चार घटक होते हैं। पहला है श्रवण, सेकंड है बोलना, थर्ड पढ़ना, आफ्टर दैट लिखना। श्रवण कौशल विकसित करना, बोलना पढ़ना विकसित करना विद्यार्थियों में, और लिखना। जो ये संचार के जो चार घटक हैं, जो एक स्टूडेंट लाइफ में हम विद्यार्थियों के अंदर उनको इनमें निपुणता देते हैं, ठीक है। तो इनमें से आज हम पहले घटक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल होता क्या है, या सबसे पहले हम जानते हैं संचार के घटक। जैसे जैसे बच्चे जो है बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है एक बातचीत करने की, थोड़े से हाव भाव प्रकट करने की या बोलने की, ऐसी बहुत सी चीजें जो है विकसित होती रहती हैं। हम आमतौर पर सार्वभौमिक, अगर हम किसी चीज को कहें तो मील का पत्थर जिसको हम बोलते हैं, के सेट के खिलाफ उनकी जो प्रगति की जांच करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हम उनकी प्रगति की जो जांच करते हैं, जो असेसमेंट हम उनका, जो हम उनका मूल्यांकन करते हैं, वो उनके विकास को मापने का एक प्रबल तरीका होता है, ठीक है। हम किसी भी चीज को किसी भी तरीके, कोई भी पैमाने से माप सकते हैं कि विद्यार्थी ने या बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है या कितना उसने सीखा है। उसकी लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम छोटे छोटे अंतराल में कौन कौन सी चीजें डाल सकते हैं जिसके द्वारा हमें पता चले कि विद्यार्थी कितना ज्ञान प्राप्त कर चुका है या बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे और युवा अपनी गति को स्वयं विकसित करते हैं। उनकी जो खुद की कैपेसिटी है, उनकी याद करने की, उनकी सुनने की, उनकी बोलने की, उनकी पढ़ने की, उनकी खुद की कैपेसिटी कितनी है, उस चीज को फॉलो करते हैं, और उस चीज को फॉलो करने के बाद ही उनका मूल्यांकन किया जा सकता है उनकी इस कैपेसिटी को ध्यान में रखकर, ठीक है। जैसे दिशा निर्देश के रूप में हम उपयोग करते हैं, एक मात्र पहलू जो हम करते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होता है कि बच्चे के विकास को देखते हुए विचार किया जाना चाहिए कि स्कूल आयु के बच्चे और युवाओं के संचार कौशल की बेहतर जांच करने के लिए, जो है हम संचार के चार प्रमुख घटकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे पहला जो है वो है क्या हमारे पास, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल क्या है, नाम से पता चल रहा है सुनने से रिलेटेड है कि उसका माध्यम क्या हो सकता है। सुनना एक दो भागीय प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, पहला भाग जो होता है वह वास्तव में वही सुनाई देता है जो बोल रहे हैं, जो बोलता है, जो वक्ता बोल रहा है, या जो उन बोलने का जो वो कहना चाहता है सिर्फ वही वर्ड्स उनको सुनाई देती हैं और जो संप्रेषित किया जा रहा है। दूसरा भाग है उसकी जानकारी कि वो क्या कहना चाहता है, कि वो जो वर्ड्स यूज कर रहा है उन वर्ड्स के माध्यम से वो क्या जानकारी देना चाहता है, वो क्या संप्रेषित कर रहा है। दोनों ही चीजें जो है वो अलग अलग है। ये दो भागीय प्रक्रिया हम जिसको कह सकते हैं, इसमें पहले तो जो हम बोलते हैं एज इट इज जो हम सुनाई देते हैं, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं सिर्फ विद्यार्थी को या किसी भी युवाओं को या किसी भी व्यक्ति को जो एज इट इज सुनाई दे रहा है, पहला तो वह है कि जो आप संप्रेषित कर रहे हैं। सेकंड क्या है, जो आप जानकारी उनको प्रोवाइड कर रहे हो वो, ठीक है। तो श्रवण कौशल में आता है हमारा कि हम उनको क्या क्या चीजें, जो दो भागीय प्रक्रिया है उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, या हम उनमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित कर सकते हैं उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं। पहला है निर्देशों का पालन करना और प्रतिक्रिया। निर्देशों का पालन करना और प्रतिक्रिया। निर्देश क्या होते हैं? निर्देश का मतलब
श्रवण कौशल के अंदर है, किसी भी व्यक्ति को जो आपको बात कर रहा है, जो आपको लेक्चर दे रहा है, जो आपको भाषण दे रहा है, जो आपको किसी भी इंसिडेंट के बारे में बता रहा है, या कोई भी चीज जो भी व्यक्ति आपके सम्मुख संप्रेषित कर रहा है, उसको ध्यान से सुनना। ये होते हैं निर्देश कि किसी भी व्यक्ति को यदि आप सुन रहे हैं या किसी भी चीज को आप, चाहे आप टीवी से रिलेटेड हो, कोई भी चीज आप सुन रहे हो, तो उसको क्या है, सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। यानी आपका जो दिमाग है, आपका जो सोचने का जो क्रिया है, वो हमारी बाद में होती है, पहले हमें उसको सुनना होता है, उसके बाद ही हम कोई प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे है, पहले निर्देशों का पालन करना और उसके बाद प्रतिक्रिया को देना। सेकंड है जानकारी को याद करना। पहला हमने पढ़ा निर्देश, जो हमने देखा कि हमें ध्यानपूर्वक जो है सुनना है पहले, ठीक है। दूसरा क्या है, उस जानकारी को याद रखना। याद रखना मतलब कि जो आपने सुना है, जो आपने जिस चीज की भी जानकारी आपने ली है, या जो भी टॉपिक आपने लेक्चर सुना है, या जो भी इंफॉर्मेशन आपने सुनी है कहीं से, तो उस चीज को याद रखना, अपने मस्तिष्क में उस चीज को एक जगह देनी कि भाई आपने क्या पढ़ा है या क्या सुना है, उस चीज को अंदर रखना और उसको याद करके रखना। थर्ड पॉइंट है हमारा ध्यान केंद्रित करना और ध्यान देने की क्षमता को बढ़ाना। जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ पे दिया था कि निर्देशों का पालन करना, यानी चुपचाप किसी भी चीज को सुनने की, या जो सुनने का है, जो आपको ध्यान केंद्रित करना है वो, तो थर्ड पॉइंट हमारा है ध्यान केंद्रित करना। किसी भी चीज को अगर आप सुन रहे हो तो आपको सर्वप्रथम अपना कंसेंट्रेशन देना होता है। कंसेंट्रेशन, यदि आप कंसेंट्रेशन से कोई बात सुनोगे नहीं तो आप उस चीज की जानकारी अर्जित नहीं कर सकते, और जानकारी अगर याद करनी है तो उसके लिए ध्यान को केंद्रित करना और अपने ध्यान केंद्रित की क्षमता को बढ़ाना अनिवार्य होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा बातचीत में सक्रिय रूप से भाग लेने की क्षमता। हमारे जो श्रवण कौशल में है कि सबसे लास्ट पॉइंट जो हम कर रहे हैं कि बातचीत में सक्रिय भाग लेना। बातचीत करते हुए दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं हमारे पास, लेकिन जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं या दो से अधिक व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे जो कॉमन चीज होती है उसको एक व्यक्ति के द्वारा बोली हुई बात को सुनने की। तो जब हम उसको ध्यान से सुनते हैं तो और फिर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमें जो उन चीजों के अंदर जो बातचीत जो हम करते हैं उसमें पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से भागीदारी लेनी चाहिए। हमें अपने आचार विचारों का दोनों का आदान प्रदान भी करना चाहिए, तब जाकर के कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे श्रवण कौशल को बढ़ाने के कुछ स्टेप्स जिससे हम अपने श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं, सुनने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। ये किस कौन कौन से होते हैं? पहला है अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना। अभ्यास करना यानी कि हम किसी भी चीज के बारे में, जरूरी नहीं है कि एक श्रवण कौशल के लिए आप कोई भी चीज करते हो, चाहे आपका सुनने का हो, चाहे आपका लिखने का हो, चाहे आपका बोलने हो, चारों स्किल्स के अंदर ये कॉमन एक चीज है कि प्रैक्टिस सबके लिए अनिवार्य है। जब तक आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उस चीज को आप पकड़ नहीं सकते, उस चीज को आप होल्ड नहीं कर सकते। उस चीज की आप एक बार कीजिए और आप उसको छोड़ दीजिए तो आप उस चीज को भूल जाएंगे, आप उस चीज को कभी मतलब लाइफ टाइम के लिए रिमाइंड नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप कंटिन्यू जो प्रैक्टिस करते रहोगे, जारी रखोगे, चाहे वो रीडिंग की है, चाहे वो राइटिंग की है, चाहे वो स्पीकिंग की है, चाहे वो लिसनिंग की है, ठीक है, इन चारों घटकों में से यदि आप एक भी टॉपिक के लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी पकड़ जो है उस टॉपिक पे कम होगी अपेक्षाकृत जिन पे आपने फोकस किया है, जिन पे आपने प्रैक्टिस किया है, जिसका आपने बार बार अभ्यास किया है। सेकंड पॉइंट है जिससे आप बात कर रहे हैं उसका सामना करना तथा आंखों का संपर्क बनाए रखना। क्या होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं, हम एक स्टेज पे जब जाकर के खड़े होते हैं तो हम अपना भाषण तो कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन फेस टू फेस जब इंटरेक्शन होती है तो हम आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। तो ये जो चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे या आप जब बातचीत करते हो किसी से, तो उस
बंदे के सामने खड़े होना, उसके साथ बात करना और उससे आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करना एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो वो श्रवण कौशल के अंदर भी ये एक चीज है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसका सामना कीजिए, आप उसके सम्मुख खड़े हो जाइए और फिर उसके बाद आप उनसे आई कॉन्टेक्ट के माध्यम से अपने विचारों को प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सक्रिय सुनने का अभ्यास करना बच्चों और युवाओं में। बच्चों और युवाओं में विशेषता ये चीजें होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी चीज कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो वो कोई भी पर्सन आपको कुछ सुना रहा है, बोल रहा है, या किसी की आप स्पीच सुन रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, या कोई भी आप मतलब किसी फंक्शन में गए हो, कोई भी चीजें आप देख रहे हो, तो वो जो चीजें होती है तो आपका जो कंसेंट्रेशन होता है वो सक्रिय रूप से होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हर एक चीज के लिए ऑपरेंट होना चाहिए, ताकि क्या है कि आप उस चीज को समझें, उस चीज को जानें कि कहने वाला या जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है, उस चीज को सोचेंगे आप, उसके बाद आप उस चीज को सोचने के बाद उस चीज को समझोगे। यदि आप उस चीज को सक्रिय होकर के सुनोगे नहीं, पॉजिटिव होकर के, ऑपरेट होकर के सुनोगे नहीं, तब तक आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहयोगी सीखने और टीम वर्क के लिए योजना बनाने के अनुभव। जो हमारा श्रवण कौशल है उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी हम अगर काम कर रहे हैं तो उसमें सहयोगी का अगर काम होता है, टीम स्पिरिट, टीम वर्क, अगर हम एक योजना बनाते हैं टीम वर्क करने के लिए, तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर हम एक टीम बना देते हैं तो एक दूसरे के विचारों को सुनना अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक पर्सन अपने अपने मतलब विचार एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, जिसका बेनिफिट लगता है, जिसका अच्छा लगता है, उसी को आगे कंटिन्यू किया जाता है। टीम वर्क का मतलब ही यही होता है कि सभी जो है अपने विचारों को प्रस्तुत करें और प्रस्तुत करने के बाद उन सभी का एक मिला जुला जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो डिफरेंट होता है बजाय एक के। हमारी सोच, सपोज कीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक काम दिया है किसी फोर ग्रुप के बच्चों के लिए या किसी फोर पर्सन का ग्रुप बना दिया है, उनको एक टीम वर्क दे दिया और एक साइड हमने रख लिया है सिंगल वन पर्सन जिसके पास कोई टीम नहीं है, ओनली वन। तो जो वन पर्सन है वो उसका सिर्फ अपना खुद का दिमाग है, वो खुद क्या सोचता है, क्या करता है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को कंप्लीट करेगा। लेकिन जो टीम वर्क है उनके पास चार का अगर ग्रुप है तो चार दिमाग है, चारों के सोचने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है और सभी के मिक्सचर से कुछ अच्छा कुछ नया निकल करके सामने आता है। तो ये डिफरेंस होता है एक टीम वर्क के अंदर। कोई योजना अगर बना करके हम कोई कार्य करते हैं, किसी भी योजना को सबसे पहले अगर हम कोई काम करते हैं तो प्लानिंग के साथ काम करते हैं कि हमने कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, कहाँ से शुरू करके किस किस पड़ाव पे हम उसको लेकर के जाएंगे और उन पड़ाव को हम किस तरीके से कम्प्लीट करेंगे, ताकि जो हम गोल ऑफ अचीवमेंट है हमारी उस चीज को हम कम्प्लीट कर सके। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, विचारों और भावनाओं को सुनने के लिए और बच्चों के बीच संघर्ष सुलझाने के लिए भाषा का उपयोग। कई बार क्या होता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को जब हम व्यक्त करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर जब हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सोच एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती। जब मैच नहीं होती तो उनके बीच जो है वो मतभेद होने लग जाता है। मनभेद नहीं होता है, केवल मतभेद होता है, क्योंकि एवरी स्टूडेंट जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। लेकिन उस बीच के मसले को सुलझाने के लिए कई बार जिस भाषा का प्रयोग करते हैं हम, उनको लीनियंटली सुनना श्रवण कौशल को विकसित करने का एक अच्छा जो है उदाहरण होता है। ठीक है, उस चीज को सुलझाते हैं हम भाषा के माध्यम से कि आपको क्या करना चाहिए, उस मसले को उनके बीच की जो अनबन है उन चीजों को सुलझाने के लिए, उन बच्चों के संघर्ष को सुलझाने के लिए, जितना वो संघर्ष कर रहे हैं उस चीज को सुलझाने के लिए जो है श्रवण कौशल को हम विकसित कर सकते हैं। और लास्ट में हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाई, वो है हम कार्यशालाओं का आयोजन करना। कार्यशालाओं का आयोजन करना, वर्कशॉप का आयोजन करना भी
श्रवण कौशल को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। वो कैसे है, जब हम वर्कशॉप आयोजित करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के पर्सन आते हैं और अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, और उन अनुभवों से जो नया मतलब निकल के आते, सभी के अनुभवों को सुनना और अपने अंदर उस चीज को धारण करना, उस चीज की जानकारी को लेना, ठीक है, अपने अंदर उस चीज को सक्रिय करना कि जो अच्छा अच्छा मतलब मेटीरियल उनको मिला है वर्कशॉप के माध्यम से, उस चीज को वो केंद्रित करते हैं, उस चीज को वो ध्यान करते हैं, उस चीज को वो आगे चलकर अपनी लाइफ में सुनते हैं, समझते हैं और अपनाते हैं। तो ये जो हमने आज का टॉपिक किया, श्रवण कौशल को विकसित करने के हमारे जो बढ़ावा देने के जो साधन थे वो, और जो हम इसमें सम्मिलित बातें करते हैं कि हम किस माध्यम से क्या क्या चीजें हमारे श्रवण कौशल को के अंदर होनी चाहिए, किस किस तरीके का विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे श्रवण कौशल विकसित हो सके, तो हमने आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा की। उम्मीद है मुझे कि आपको ये टॉपिक सब क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए हम जब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा तैयार होगा, हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। श्रवण कौशल के बाद हमारा जो नेक्स्ट है बोलने वाला कौशल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे लाइफ। थैंक यू।